गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड क्लास थर्ड सब्जेक्ट एसएसटी लेसन 4 यूजिंग डायरेक्शंस। डायरेक्शंस का मतलब दिशाएं, हम उसको कैसे यूज करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। आपके इस बुक में क्लास थर्ड की आप एसएसटी की बुक निकालें, 23 नंबर 21 लेसन 4 यूजिंग डायरेक्शंस। यस, इसमें मेन हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शंस यानी दिशाएं, लैंडमार्क यानी सीमा चिन्ह, मेन डायरेक्शंस क्या क्या होती है, मैप्स यानी नक्शा, उससे हमें पता लगता है। यस, पेज नंबर 21। अंकिता एंड सानिया स्टडी इन क्लास थर्ड, दे हैव बिकम गुड फ्रेंड्स। अंकिता हैज इनवाइटेड सानिया टू हर बर्थडे पार्टी, बट सानिया हैज नेवर बीन टू अंकिताज हाउस। अंकिता और सानिया दोनों क्लास थर्ड में पढ़ती हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं, अच्छी फ्रेंड्स हैं, और एक दिन अंकिता अपने बर्थडे पे सानिया को इनवाइट करती है, बट सानिया को उसका घर नहीं पता होता। अंकिता ड्रॉ द रूट फ्रॉम द बस स्टॉप टू हर हाउस। तो अंकिता क्या करती है, बस स्टॉप से उसको एक पेपर पे ड्रॉ करके अपने घर का रूट बताती है। दिस ड्रॉइंग ही देखिए बुक में बना हुआ है ना, अ स्केच शोइंग द वे टू अंकिताज हाउस, ये देखिए बुक में बना हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, दिस ड्रॉइंग और रफ मैप, ये ड्रॉइंग और एक रफ मैप है, विच हेल्प सानिया टू अंडरस्टैंड द वे टू अंकिताज हाउस इज कॉल्ड अ स्केच। ये रफ ड्रॉइंग है जिससे कि सानिया समझ जाएगी, उसको पता लग जाएगा कि अंकिता का हाउस कहाँ है, इसको बोलते हैं स्केच। इट इज अ रफ ड्रॉइंग विदाउट एनी मेजरमेंट, और ये एक रफ ड्रॉइंग है, कोई माप तोल नहीं किया हो, कोई नापा नहीं किया, मेजरमेंट का मतलब होता है नापना। यस, नेक्स्ट है डायरेक्शन यानी दिशाएं, दिशाएं क्या होती है। अंकिता सेज वॉक स्ट्रेट डाउन फ्रॉम द बस स्टॉप अंटिल यू सी अ पेट्रोल पंप ऑन द राइट। अंकिता ने उसको कहा कि जब आप बस स्टैंड से स्ट्रेट यानी सीधा आएंगे तो सामने की तरफ आपको राइट हैंड में पेट्रोल पंप दिखेगा। राइट हैंड कौन सा होता है हमारा, इधर वाला राइट हैंड, ये होता है राइट हैंड में पेट्रोल पंप दिखेगा। वहां से आप राइट टर्न हो जाना, यू विल पास अ बिल्डिंग ऑन द राइट साइड विद अ फ्लैग पोल ऑन टॉप। और वहां पे एक बिल्डिंग आएगी जिसके ऊपर एक फ्लैग पोल लगा हुआ होगा टॉप पे, वहां से लेफ्ट टर्न हो जाना। व्हेन यू कम टू अ स्कूल कॉल्ड सेंट पॉल स्कूल यू विल नो यू आर क्लोज। और जब वहां से आप लेफ्ट टर्न होगे तो आपको सामने एक सेंट पॉल स्कूल दिखेगा और आप समझ जाना कि आप मेरे घर के बहुत करीब आ गए हो। टर्न राइट एंड क्रॉस द स्ट्रीट, तो वहां से उस स्कूल से आप राइट टर्न करोगे और स्ट्रीट को क्रॉस करोगे यानी गली को पूरा क्रॉस कर लेना। एट द कॉर्नर देयर इज अ लेटर बॉक्स, और जब वो गली आप क्रॉस करोगे तो उसके कोने में आपको एक लेटर बॉक्स दिखेगा। टर्न लेफ्ट, वहां से आप लेफ्ट टर्न हो जाना, यू विल सी अ व्हाइट हाउस, और वहां से जब आप लेफ्ट टर्न होगे वहां पे एक बड़ा सा व्हाइट हाउस, व्हाइट कलर का हाउस दिखेगा आपको। यू विल सी अ व्हाइट हाउस एंड देन अ येलो हाउस विद अ बिग पीपल ट्री इन फ्रंट, दैट इज माय हाउस। जब आप वहां से लेटर बॉक्स से लेफ्ट टर्न होगे तो एक व्हाइट हाउस आएगा और उसके आगे एक येलो हाउस आएगा जिसके बाहर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ बना होगा, वही मेरा घर है। तो ये स्केच के जरिए उसने पूरा बताया कि आप बस स्टॉप से उतरेंगे, राइट आए, वहां से सीधा आगे पेट्रोल पंप, वहां से राइट होंगे, वहां पे एक बिल्डिंग होगी जिसके ऊपर फ्लैग होगा, फ्लैग से आप लेफ्ट हो जाएंगे, वहां पे सेंट पॉल स्कूल है, फिर वहां सीधा स्ट्रीट क्रॉस करने के बाद आप देखेंगे तो लेटर बॉक्स है, वहां से राइट क्रॉस होकर व्हाइट हाउस, देन येलो हाउस पीपल, जहां पे पीपल का पेड़ है वो उसकी फ्रेंड का हाउस है। ट्रेस अंकिता डायरेक्शन फ्रॉम द स्केच विद अ पेंसिल, और उसने अपनी फ्रेंड अंकिता को सारी जो ड्रॉ थी स्केच करके पेंसिल से दी, जिससे कि उसने उसका हाउस ढूंढ लिया। लैंडमार्क, लैंडमार्क बोलते हैं सीमा चिन्ह, जब हम कहीं जाते हैं तो हम एक निशानी देते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको कहूंगी कि आपने स्कूल आना और आपको रास्ता नहीं पता तो मैं आपको क्या कहूंगी, नियर माया बाजार, लैंडमार्क है माया बाजार, माया बाजार के साथ से आप आ जाइए, तो वो क्या एक सीमा चिन्ह है कि हाँ माया बाजार के साथ में रोड से आप सीधा जाएंगे तो हमारा स्कूल आएगा। ओके, ऑल द प्लेसेस दैट सानिया पास फ्रॉम द वे टू अंकिता हाउस आर लैंडमार्क। इसी तरह से पोस्ट ऑफिस एक लैंडमार्क, ये लेटर बॉक्स एक लैंडमार्क था, पेट्रोल पंप एक लैंडमार्क था, उन सबको पार करते हुए जो है वो अपनी फ्रेंड के घर पहुंच गई। यस, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22। इन फैक्ट इट इज जस्ट दैट अ लैंडमार्क इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थिंग्स अराउंड इट सो यू कैन सी एंड रिमेंबर इट इजीली। और ये जो आप एक बार हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर जगह का लैंडमार्क अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, बस अगर आप उसको याद रखते
लैंडमार्क जरूर होगा। सेलर इन द ओशन लुक फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडमार्क सच एज एन आइसलैंड आर्कटिक रॉक और अ लाइट हाउस। इसी तरह से जो जहाज चलाता है उसके चलाने वाले को बोलते हैं सेलर। वो जब समुद्र में महासागर में जहाज चलाता है तो वो लैंडमार्क से डिफरेंट लैंडमार्क से ही अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाता है। जैसे कि लैंडमार्क रास्ते में आइसलैंड आते हैं, बिग रॉक आती है, लाइट हाउस आते हैं। बट व्हाट हैपन व्हेन दे आर आउट ऑफ साइट ऑफ लैंड एंड देयर इज ओनली वाटर ऑल अराउंड देम। दिस इज व्हेन दे टेक द हेल्प ऑफ द सन मून एंड स्टार। और जब क्या होता है कि जब यहाँ वो दूसरी साइड जाता है जहाँ पे उसको सिर्फ पानी ही पानी दिखता है, वहाँ पे ये सब लैंडमार्क बीच में नहीं होते, तो वो सन की, मून की और स्टार्स की हेल्प लेता है। द सन ऑलवेज कम्स अप, तो वो देखता है जहाँ से सन निकल रहा है वो एक अलग से साइट है, और वो जहाँ से सन ऑलवेज कम अप हो रहा है वो है ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन है। और इसी तरह से गोज डाउन और सेट्स इन द वेस्ट। बट व्हाट हैपन व्हेन द स्काई इज हिडन बाय फॉग और क्लाउड। लेकिन तब क्या होगा जब बादल बने हुए होंगे और क्लाउड्स होंगे और बहुत फॉग यानी कोहरा होगा। सेलर देन यूज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इज द कंपास। तो ये देखिए कंपास बना हुआ, तब वो सेलर क्या करता है, इस कंपास का यूज करता है, इससे उसको डायरेक्शन की जानकारी हो जाती है। द कंपास हैज ए हैंड दैट लुक्स लाइक द हैंड ऑफ ए वॉच एंड ऑलवेज पॉइंट द नॉर्थ। तो देखिए ये वॉच की तरह इसके हैंड्स होते हैं और वो सारे नॉर्थ के पॉइंट्स को, मतलब सब पॉइंट्स को ऑलवेज पॉइंट बता देती है उसको। मेन डायरेक्शंस, देखिए अब हमने पढ़ा डायरेक्शंस। डायरेक्शंस जो हमें मतलब हमारी दिशाएं होती हैं, लैंडमार्क हमने आपको बता दिया, सीमा चिन्ह, मेन डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन जो डायरेक्शन होती है वो कितनी तरह की होती है, वो फोर होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मेन डायरेक्शन होती है फोर। इन द मॉर्निंग स्टैंड इन द पार्क और एन ओपन एरिया वेयर यू कैन सी द सन। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पे है, वेस्ट कहाँ पे, नॉर्थ कहाँ पे और साउथ कहाँ पे। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सुबह उठेंगे, स्टैंड इन द पार्क, और एक पार्क में या कहीं पर भी आप खड़े हो जाएंगे ओपन एरिया में, और वहां से आप देखेंगे सन, सन कहाँ से निकलता है। आप उसकी तरफ, सन की तरफ फेस करेंगे, स्ट्रेच आउट बोथ योर आर्म और दोनों आर्म्स को जो है खोल लेंगे और ऐसे इस तरह से खोल लेंगे, और अपना राइट हैंड जो है जिस तरह से इधर ईस्ट से सन निकल रहा, तो आपने ऐसे किया सन राइट हैंड सन की तरफ किया और लेफ्ट हैंड इधर, तो जो सन जिस तरफ से आता है उस डायरेक्शन को बोलते हैं ईस्ट। और जहां पे वो जाता है उनका सन राइजिंग इन द ईस्ट, ईस्ट से आता है वेस्ट में छुप जाता है, सेट्स इन द वेस्ट। तो ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट होगी और ये वेस्ट होगी। आई समझ में आपको। इसी तरह से इन द फ्रंट ऑफ, और जैसे आप यहाँ खड़े हैं, आपने सूरज की तरफ सीधा हाथ रखा राइट हैंड, वेस्ट की तरफ लेफ्ट हैंड, और जो फ्रंट है वो डायरेक्शन और बिहाइंड वाली डायरेक्शन, फ्रंट वाली डायरेक्शन आपकी होगी नॉर्थ, ये होगा नॉर्थ और ये होगा साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आई समझ में आपको। इस तरह से दीज आर द फोर मेन डायरेक्शंस, दे हेल्प अस टू फाइंड प्लेसेस। बिसाइड्स दीज फोर मेन डायरेक्शंस, दीज आर फोर सब डायरेक्शंस। द डायरेक्शंस बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट इज कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट। इस तरह से जिस तरह से मेन फोर डायरेक्शंस है, इसी तरह से फोर सब डायरेक्शंस भी होती हैं। सब डायरेक्शंस इसको बोलते हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है, जैसे नॉर्थ और ईस्ट, तो ये डायरेक्शन होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से द डायरेक्शन बिटवीन साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यानी ये ईस्ट है ये साउथ है, इसके बीच की डायरेक्शन होगी आपकी साउथ ईस्ट। इसी तरह से द डायरेक्शन बिटवीन द साउथ एंड द ईस्ट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट। द डायरेक्शन बिटवीन द साउथ साउथ एंड द वेस्ट इज कॉल्ड द साउथ वेस्ट। द डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड द वेस्ट इज कॉल्ड द नॉर्थ वेस्ट। लुक एट द मैप। अब आप देखिए, मैंने आपको लास्ट लेसन में मैप करवाया था, उसमें 16 पेज नंबर पे ये मैप है, ये देखिए मैंने मैप करवाया था ना आपको, उसको आप देखें। विच ओशियन इज, इसमें आपको पता लगेगा कौन सा ओशियन नॉर्थ साइड में है, कौन से साइड में, कैसे भी क्वेश्चन है इससे आप देख सकते हैं। मैप्स, मैप्स क्या होते हैं, मैप्स आर ड्रॉइंग ऑफ द होल और ए पार्ट ऑफ ए अर्थ सरफेस ऑन द फ्लैट सरफेस सच एज पेपर।
ये देखिए 16 पेज नंबर पे आपने देखा था मैप बना हुआ है, ये जो सरफेस एरिया जो अर्थ का सरफेस एरिया बताता है फ्लैट एरिया में, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं मैप्स। मैप से हमें पता लगता है दे शो कॉन्टिनेंट्स ओशियंस कंट्रीज सिटीज माउंटेन्स रिवर्स मेनी अदर थिंग्स। इस मैप से हमें पता लगता है कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे हैं कौन सी डायरेक्शन में है ओशियंस कंट्रीज सिटीज माउंटेन्स रिवर्स ये सब और मेनी थिंग्स मैप्स की हेल्प से हम ढूंढ सकते हैं। अब बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड है एटलस। एक मैप्स की बुक काफी है उसका नाम होता है एटलस। उसमें सब तरह के मैप्स होते हैं जिससे आपको रिवर्स के बारे में पता लगे माउंटेन्स के बारे में पता लगे। और मैप द टॉप ऑलवेज शो द नॉर्थ और जो मैप का टॉप हिस्सा होता है ऊपर का वो ऑलवेज हमेशा नॉर्थ के लिए ही शो करेगा। द बॉटम शोज द साउथ और बॉटम एरिया जो है वो हमेशा किसके लिए शो करेगा यानी नीचे का हिस्सा साउथ के लिए। द राइट शोज राइट वाला जो है वो ईस्ट को शो करेगा और लेफ्ट वाला जो हिस्सा है वो किस डायरेक्शन को शो करेगा वेस्ट को। दीज डायरेक्शंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर मैप और ये चारों डायरेक्शंस हमें अंडरस्टैंड करती है किसके लिए मैप के लिए। तो आपने मेन फोर डायरेक्शंस देखी, डायरेक्शन पढ़ा तो लैंडमार्क पढ़ा मेन डायरेक्शन के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड मैप। मैप हमें इन सबके बारे में बताता है। अब मैं आपको एक्टिविटी करवाऊंगी बुक में जिसको आपने अपनी नोटबुक में करना है और लेसन को एक बार आप रीड करेंगे। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स अब हम एक्टिविटी करेंगे। बुक पेज नंबर 24 निकालो। फिल इन द ब्लैंक्स। द लैंडमार्क हेल्प्स अस रीच आवर डेस्टिनेशन। लैंडमार्क हमें किसके बारे में बताता है हमारे डेस्टिनेशन के बारे में। डैश यूज लैंडमार्क सच एज आइसलैंड एंड लाइट हाउस। सेलर्स, सेलर्स जो होता है मैंने आपको बताया था ना जो जहाज चलाता है उसको बोलते हैं सेलर्स, वो यूज करते हैं लैंडमार्क सच एज आइसलैंड एंड लाइट हाउस। थर्ड नंबर द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन कहाँ से उगता है ईस्ट से। डायरेक्शंस हेल्प अस टू डैश प्लेसेस फाइंड प्लेसेस। डायरेक्शन हमें प्लेसेस ढूंढने में हमारी मदद करती हैं। एंड एटलस इज अ बुक ऑफ मैप। एटलस क्या होती है मैप्स की बुक होती है। मैच द कॉलम्स। द सन राइजेज इन द ईस्ट ऑन अ मैप द राइट हैंड points to the east. On the map the left hand points to the west. Direction between north and east northeast. Direction between south and east southeast. Third question, choose the correct word to fill the blanks. A rough map drawn without measurements is called स्केच। मैंने आपको बताया था ना एक रफ मैप बनाते हैं जिसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती हम नापे बिना बनाते हैं उसे बोलते हैं स्केच। द सन सेट्स इन द सन कहाँ पे छुपता है वेस्ट में। द हैंड्स ऑफ अ कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड द जो हैंड्स होते हैं उसके कंपास के वो हमें किस तरफ पॉइंट्स करते हैं नॉर्थ की तरफ। द डैश इज द डायरेक्शन अपोजिट टू द साउथ। साउथ के अपोजिट में कौन सी डायरेक्शन होती है नॉर्थ। द डैश इज वन ऑफ द सब डायरेक्शंस। कौन सी सब डायरेक्शंस होती है द डैश इज द वन ऑफ द सब डायरेक्शंस। इन सब में से सब डायरेक्शन कौन सी है ईस्ट डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन है साउथ भी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट इज द सब डायरेक्शंस। यस आइडेंटिफाई हु आई एम। आई एम ए रफ ड्राॅइंग ऑफ अ प्लेस विदाउट मेजरमेंट। विदाउट मेजरमेंट एक मैं एक रफ ड्राॅइंग वो क्या होगा स्केच। आई एम एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड डायरेक्शंस। डायरेक्शंस को यूज करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है कंपास। आई एम अ डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड द वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। आई एम अ फ्लैट ड्राॅइंग विच कैन शो द होल और ए पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। मैप मैप से हमें सारा एरिया पता लगता है। आई एम द डायरेक्शन एट द टॉप ऑफ द मैप नॉर्थ। यस नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द स्केच। स्केच क्या है अ रफ ड्राॅइंग ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड
स्केच, एक रफ ड्राइंग जो हम बनाते हैं इस किसी प्लेस की उसको बोलते हैं स्केच। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर लैंडमार्क्स, लैंडमार्क्स किसको बोलते हैं, एन ऑब्जेक्ट्स और अ बिल्डिंग्स दैट इज इजीली सीन और रिकॉग्नाइज्ड आर कॉल्ड लैंडमार्क्स। थर्ड क्वेश्चन, हाउ कैन वी फाइंड द फोर डायरेक्शंस, मैंने आपको बताया था ना फोर डायरेक्शंस को कैसे फाइंड करेंगे, स्ट्रेच आउट बोथ ओवर आर्म्स एंड पॉइंट योर राइट हैंड टुवर्ड्स द सन, राइट हैंड को सन की तरफ स्ट्रेच करेंगे, दिस डायरेक्शन इज ईस्ट एंड योर लेफ्ट हैंड इज पॉइंटिंग टू द वेस्ट, और जो आपका लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी, वेस्ट, इन फ्रंट ऑफ यू इन द नॉर्थ, और जो आपके फ्रंट की तरफ डायरेक्शन होगी उसको बोलेंगे नॉर्थ, एंड बिहाइंड इज द साउथ, और जो बिहाइंड में बैक में होगी उसको क्या बोलेंगे, साउथ। यस, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर मैप्स, मैप्स क्या होते हैं, मैप्स आर फ्लैट ड्राइंग्स ऑफ द होल और पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस, मैप्स क्या है, मैप्स आर फ्लैट ड्राइंग, एक सिंपल सी फ्लैट ड्राइंग है अर्थ सरफेस की होल, जो भी वहाँ पे होता है जैसे कि कॉन्टिनेंट्स, रिवर्स, माउंटेन्स, वो सब हमें मैप में शो होता है। यस, क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट इज एन एटलस, एटलस किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था ना, एन एटलस इज अ बुक ऑफ मैप्स, एटलस मैप्स की जो बुक्स आती है, तरह तरह के मैप्स होते हैं जिस बुक के अंदर, उसको बोलते हैं एटलस। ओके स्टूडेंट, ये सब वर्क जो मैंने आपको दिया है ये ऑल वर्क आपको बुक एंड कॉपी में, नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।